Hello students, in today's video we are going to learn about respiration. Respiration is a metabolic process and it occurs in all organisms. जितने भी organism हैं, living organisms हैं, उन सारे में respiration की process होती है and it involves gaseous exchange and cellular respiration. Means gaseous exchange and cellular respiration, ये दोनों मिलकर के respiration की definition को बनाते हैं. तो gaseous exchange को हम breathing बोलते हैं normal language में. And breathing क्या होती है? Simple, it is intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide. Second is cellular respiration, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. हमें पता है न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो फूड होती है उनकी डाइजेशन होती है एंड ये फूड कहाँ पे जाती है? सेल में जाती है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड हमारे सेल के अंदर होती है उनकी ब्रेकडाउन होती है एंड ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है. ओके, नाउ ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय वेरियस पाथवे. हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है. इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए बहुत सारे पाथवे हैं, उनको हम देखेंगे. फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 carbon molecule इनटू 3 carbon molecule कॉल्ड पाइरूवेट. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फूड की ब्रेकडाउन में कि आपका जो फूड होता है जो कि ग्लूकोज होता है वो 6 carbon molecule है. ये 6 carbon molecule की ब्रेकडाउन होगी किसमें? 3 carbon molecule में, जिसको पाइरूवेट कहते हैं. एंड ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होकर जो पाइरूवेट बनता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है. नाउ ये जो पाइरूवेट है ये इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकती है. एंड पाइरूवेट की कन्वर्जन इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में किसमें होती है? किस ऑर्गेनिज्म में होती है? ईस्ट में होती है. ओके, एंड इस प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस? पाइरूवेट की ब्रेकडाउन इनटू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ? दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, अब ये जो पाइरूवेट की ब्रेकडाउन हुई फर्स्ट केस में, ये जो अभी जस्ट हमने पढ़ा उसमें क्या हुई? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन अगर पाइरूवेट की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा. और पाइरूवेट की जो ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है, ओके. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकअप ऑफ 3 carbon pyruvate molecule टू गिव 3 molecule ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इसमें क्या हुई? जब इस केस में पाइरूवेट की ब्रेकडाउन होगी तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा. और आपने जैसा कि देखा कि इस प्रोसेस में क्या हुई? ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई. तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड पाथवे क्या हो सकता है पाइरूवेट के ब्रेकडाउन का? पाइरूवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. कब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है. ठीक है, जब हमारे मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है एट दैट टाइम पाइरूवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड बनती है वो हमारे मसल में जाकर के क्या होती है? कलेक्ट हो जाती है एंड इट कॉजेज क्रैम्प्स, जिसको हम मसल्स क्रैम्प भी कहते हैं. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने अभी जो वेरियस स्टेप देखे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बने वेरियस स्टेप्स में, तो साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है. तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होती है? एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, जो फ्यूल की तरह वर्क करती है. हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह वर्क करती है और फ्यूल हमें क्या देता है? एनर्जी देता है.
एंड इसी एनर्जी से हमारी बॉडी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करती है, ठीक है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है इट इज़ मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। व्हाई? दिस इज बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो एटमोसफेयर में जो एयर होती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर यही ऑक्सीजन हम वाटर में देखें तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, बहुत ही लो होती है। दैट्स वाई जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो मच फास्टर होती है दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ओके, आप देख सकते हो इस डायग्राम में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दिखाई गई है, मीन्स ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की डिफरेंट पाथवे दिखाई दी गई। देखिए फर्स्ट ये ग्लूकोज है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी पाइरूवेट में, और ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। एंड इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो पाइरूवेट में होने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये जो पाइरूवेट है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो ये पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होगा, इथानॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है ये ईस्ट में होता है। ईस्ट आपने पढ़ा होगा, क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हो, ईस्ट सेल्स जो होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। दैट मीन्स क्या है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है। अब ये जो सेकेंड पाथवे है इसमें क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की लैक है तो एट दैट टाइम पाइरूवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एंड ये जो रिएक्शन होती है ये हमारे मसल सेल में होती है। थर्ड पाथवे इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स पाइरूवेट मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एट दैट टाइम पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। एंड ये जो प्रोसेस होगी, ये जो पाथवे होगी वो कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू।